हम लोगों ने पिछले लेसन में पैकेजिंग के हवाले से काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि कौन सी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं या टिप्स हैं जिनकी मदद से हम पैकेजिंग को बड़े आराम से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इस लेसन के अंदर हम लोग पैकेजिंग को प्रैक्टिकली जो है वो डिज़ाइन करके देखेंगे और मैं आप लोगों के लिए इलस्ट्रेटर के ऊपर एक पैकेज जो है वो भी डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, मैं एक बात आपको बताता चलूं कि पैकेज को डिज़ाइन करते वक्त याद रखें उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस लेसन में मैं अभी आप लोगों को जो एक पैकेज डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूं वो है PTCL 4G जो डिवाइस है इंटरनेट की, उसका एक पैकेज जो कि बॉक्स पैकेजिंग की टाइप है उसको मैं डिज़ाइन करके दिखाऊँगा। तो अब बात यह है कि जिस किस्म का भी पैकेज आप डिज़ाइन करने लगें पहले उसके स्ट्रक्चर को समझ लें ताकि आप उसकी डायमेंशंस लेने में आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो भी आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलें, ये जो प्रोसीजर है स्ट्रक्चर बनाने का और फिर उसके बाद डिज़ाइन एलिमेंट्स को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने का, इसको जो है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये सबसे पहले मैंने जो पैकेज को डिज़ाइन करने के लिए एक जेनेरिकली कोई भी जो है वो किसी भी साइज़ का आप ले सकते हैं डॉक्यूमेंट, वो मैंने ले लिया, ठीक है। इसमें कोई आपको साइज़ की कैर डेफिनेटली नहीं होती, बस जो आपका पैकेज का साइज़ है उससे बड़ा आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं मेरे पैकेज के हवाले से वो मैंने कुछ अरेंज करके रखे हुए हैं, जिस तरह से मेरे पास PTCL का लोगो है, 4G वो क्लाउड का लोगो है, डिवाइस है और कुछ मेरे पास फीचर्स वगैरह के हवाले से मालूमात हैं, तो ये मैंने पहले से अरेंज करके रखी हुई हैं। अब लेकिन इनको जो है वो इनकॉर्पोरेट करने से पहले डेफिनेटली हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हम पैकेज बनाने लगे हैं उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली है कैसा, उसके बाद फिर मैं आपको वो इलस्ट्रेटर के ऊपर क्रिएट करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास एक बॉक्स पैकेजिंग है जो कि इंटरनेट की जो भी आप गैजेट्स लेने जाते हैं तो मेजॉरिटी मैक्सिमम उनकी कुछ इसी किस्म की पैकेजिंग होती है। अच्छा, अब ये एक आसान टिप मैं आपको देने लगा हूँ और वो करके भी दिखाने लगा हूँ कि किसी भी पैकेज को अगर आपने डिज़ाइन करना है तो आप उसको पहले जो है वो डिसमेंटल करके, यानी उसको खोल के एक बार देख लें कि उसकी शक्ल किस तरह की है, ताकि आपको उसके बारे में साइज़ और बाकी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएँ। अच्छा, मैंने पहले से इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे डिसमेंटल करके रखा हुआ है, खोल के रखा हुआ है। अब मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें कि यहाँ पे ये जो है ये इसका मेन पेज है, जो मेन इसका फ्रंट है बेसिकली, ये इसका बैक आ जाता है, ये सेंटर में और ये ऊपर जो है ये इसके फोल्ड्स हैं और इसके अलावा ये जो साइड्स के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके फ्लैप्स हैं, तो इसको मदद देते हैं बेसिकली बंद होने में। जब हम इसको एज अ बॉक्स बंद करते हैं तो इनकी मदद से हम इसको जो है वो आसानी के साथ बंद कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी स्ट्रक्चर को पहले हम इलस्ट्रेटर पे क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके देखेंगे। तो चलें चलते हैं और डिज़ाइन करते हैं पैकेज। अच्छा, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल से जो है वो बॉक्स क्रिएट करेंगे और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आके इसकी जो फ्रंट है वो क्रिएट करूंगा। इसकी मैंने विड्थ जो है वो मैंने मेजर करके रखी हुई है 4.25 इंचेस और हाइट इसकी जनाबी अली 3.25 इंचेस है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने इसको देना है स्ट्रोक, ठीक है जी। मैं इसको ब्लैक कलर का हल्का सा स्ट्रोक दे लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 0.75। चलें, अब ये बेसिकली मेरे पास जो फ्रंट है उसके लिए एक रेफरेंस आ गया। अच्छा जी, मैं इसी शेप को ऑल्ट की मदद से डुप्लीकेट करता हूँ और इसको अब जो मैंने विड्थ है वो सेम रखी हुई है और इसकी जो हाइट है वो मैं चेंज कर दूंगा। इसकी जो हाइट है वो मैं अब करने लगा हूँ जी 2 इंचेस। यह बेसिकली मेरा बन जाएगा जो फोल्ड मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास ऊपर और नीचे जो है वो 2 फोल्ड्स पड़े हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट की होती है बड़ी मज़े की, कंट्रोल वाई की मदद से आप देख सकते हैं कि जो आप लाइंस बना रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं और वो कहीं आपकी जो ड्राइंग है वो आगे पीछे तो नहीं हो रही, तो वो आप बड़े आराम से यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कंट्रोल वाई की मदद से। कंट्रोल वाई बेसिकली वायर फ्रेम मोड होता है जिसके बारे में गालिबन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसी पूरे को डुप्लीकेट करके लेके जाने लगा हूँ नीचे और यहाँ पे प्लेस करूँगा। अब ये मेरा बन गया फ्रंट, ये मेरा बन गया बैक और ये ऊपर और नीचे ये जो हैं ये मेरे बन गए जनाबी अली फोल्ड्स, ठीक है जी। अब हमने बनाने शुरू करने हैं हमारी पैकेजिंग के फ्लैप्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि साइड्स पे हमारी पैकेजिंग के कुछ फ्लैप्स होते हैं,
ठीक है जी, तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ। इसकी अब मैं जो हाइट है वो सेम रखूँगा और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूँगा 2 इंचेस इस तरह से, और इसको मैं अब लेके आ जाऊँगा इसके साथ प्लेस कर दूँगा। यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट गाइड्स भी जो हैं वो भी बड़ा अच्छा काम करती हैं, वो भी हमें हेल्प आउट करती हैं देखने में कि हम जो है अपना स्ट्रक्चर सही बना रहे हैं कि नहीं। इसी को मैं डुप्लीकेट करके दूसरी साइड पे ले जाऊंगा क्योंकि ये जो मेरे फ्लैप्स हैं ये दोनों साइड्स के ऊपर हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरह से ये जो हमारे फोल्ड्स हैं ये जब बंद होते हैं तो इनके साथ भी फ्लैप्स होते हैं, तो इसको भी मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और साइड पे लेके आ रहा हूँ। लेकिन इसकी जो मैं विड्थ दूंगा वो मैं दूंगा 1.25 इंचेस, क्योंकि इनकी जो विड्थ होती है थोड़ी सी कम होती है इन वाले फ्लैप्स की, और ये मैंने पैकेज के हिसाब से पहले से जो है वो मेजर करके देखा हुआ, और ये मेजरमेंट मैंने ली हुई है बेसिकली जो हमारी डिवाइस है जो इस पैकेज के अंदर आनी है उसके अकॉर्डिंगली। तो आप याद रखें, आप जब भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो आप बेसिकली पैकेज का स्ट्रक्चर उस प्रोडक्ट के हवाले से, उसके डायमेंशंस के हवाले से बनाएंगे जिसको कि आपने इसमें प्लेस करना है। अब ये जो मेरे दोनों फ्लैप्स हैं इनको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। अब ये हमारा स्ट्रक्चर तकरीबन जो है वो कंप्लीट होने के करीब करीब है। अब मैंने ये करना है कि ये जो मेरे साइड फ्लैप्स हैं इनकी आगे एक छोटी सी और लिड टाइप ओपनिंग होती है जो कि हम जब बॉक्स को खोलते हैं तो वो हमें जो है वो नज़र आती है। इसकी मैं विड्थ रखने लगा हूँ जस्ट 0.5 इंचेस, ठीक है जी, और इसको भी अगेन मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। इसी को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। आपको अब ये समझ आ रहा होगा कि मैंने क्यों आप लोगों को पहले कहा था कि हम जो है स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ लें पहले, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तभी हम पैकेज को जो है वो ठीक तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से ये जो हमारा नीचे वाला जो यानी हमारी बैक साइड है इसके नीचे भी एक छोटा सा एक और जो है वो हमारे पास फ्लैप होता है, और इसकी जो अब विड्थ है वो मैं सेम रहने दूंगा और इसकी जो हाइट है वो अब मैं कर दूंगा 0.5 इंचेस इस तरह से। इसको मैं प्लेस करता हूँ ऊपर, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये अब हमारे पास जो मेजर स्ट्रक्चर है हमारा पैकेज का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो एक काम करना है वो ये करना है कि हमने ये जो एंड के ऊपर हमारे फ्लैप्स लगे हुए हैं इनको हमने थोड़ा सा जो है वो फोल्ड करना है, और एक जो आखिरी फ्लैप हमारा रह गया था वो यहाँ पे ऊपर एक और फ्लैप आएगा, ठीक है, और इसकी जो हाइट होगी वो मैं कर दूंगा 0.5। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ये जो ऊपर वाले दो मेरे पास यहाँ पे एंकर पॉइंट्स हैं इनको मैं पिक करता हूँ, और इनको पिक करके मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली जब आपके जो पैकेज आप कभी भी ओपन करके देखें तो ये जो बिल्कुल एज वाले फ्लैप्स होते हैं ये इनके साइड जो होती हैं वो फोल्डेड होती हैं। इसी तरह से बिल्कुल सेम जो ऊपर मैंने काम किया वही अब मैं यहाँ पे नीचे वाला जो फ्लैप मेरे पास है इसके साथ करने लगा हूँ, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं सिर्फ ये नीचे वाले दो जो हैं इन्हीं को पकड़ूंगा और इन्हीं को अंदर की तरफ फोल्ड करूंगा। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप जितना फोल्ड ऊपर दे रहे हैं तकरीबन उतना ही फोल्ड आपका जो है वो नीचे आना चाहिए, तो वो आपके जो है वो एक मेजरमेंट आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप कितना फोल्ड जो है वो दे रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे ऊपर और नीचे सिर्फ दो एंकर पॉइंट्स को मैं पहले सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद इनको जो है वो मैं फोल्ड दे दूँगा। इतना फोल्ड मैंने दिया तकरीबन बाकी फ्लैप्स के ऊपर। अब यहाँ से भी आके मैं इसको और इसको इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मैं पकड़ता हूँ और इनको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो मेरे 1, 2, 3 और 4 फ्लैप्स हैं इनकी जो शक्ल हमारी बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि जब आप यहाँ पे स्केल इसको करने लगेंगे तो आपने अगेन वही कि आपने सिर्फ इन दो एंकर पॉइंट्स को ही सेलेक्ट करना है और फिर आपने ट्रांसफॉर्म में जाके इनको जो है वो स्केल करना है ताकि सिर्फ ये दो आपके एंकर पॉइंट स्केल हो, ये स्केल ना हो। अब इनको मैं स्केल डाउन करने लगा हूँ बेसिकली 80 की तरफ, ये देखें। अब सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे आके करूँगा, पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं पिक करूँगा इन दो एंकर पॉइंट्स को, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और स्केल 80%, ओके।
सेम अब ये जो हमारे दो फ्लैप्स छोटे यहाँ पे रह गए, इनके लिए भी पहले हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, स्केल 80%, ओके। सेम हम आखिरी ये जो हमारे पास रह गई है चीज़, इसमें हम यहाँ पे आके इस तरह से राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और स्केल 80%, डन। अब ये अगर मैं आपको जूम आउट करके थोड़ा दिखाऊं, तो ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये वो स्ट्रक्चर हमने जो है वो क्रिएट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम जो है तैयार हैं कि हम इसके अंदर जो हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो चलें अब हम ये पहले से मैंने कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे अरेंज करके रखी हुई है ताकि उनको मैं प्लेस करके दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको पहले करता हूँ अच्छे तरीके से प्रॉपरली ग्रुप, और मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सारा इकट्ठा सेलेक्ट हो रहा है, यस। क्योंकि समटाइम्स जब आप ट्रेस करते हैं किसी भी लोगों को या किसी चीज़ को, तो उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं, तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब इसको मैं इस बॉक्स के साथ जो है वो अलाइन करके देख लूँगा, और उसके बाद मैं बॉक्स को अपनी असल हालत में ले आऊँगा, ठीक है जी। अब ये मैंने उल्टा क्यों रखा है, क्योंकि ये जब ओपन होगा, हम इसको ऐसे वर्टिकली डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जब ये ओपन होगा तो बेसिकली ये दूसरी साइड से सीधा पड़ा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जान के जो है वो टिल्ट करके रखा है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आप लोगों को याद होगा कि मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि जो हमारी डिवाइस है या हमारा डिवाइस मुराद है जो भी हमारी प्रोडक्ट है वो अगर नज़र आए, रिवील हो तो अच्छा लगता है पैकेज के अंदर। तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करके रखी हुई है कि मैंने एक यहाँ पे एक रेफरेंस दे दिया है किस चीज़ के लिए, कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो यहाँ से विजिबल होगी और यहाँ पे जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है उसको स्नीक पीक मिल रही होगी। तो यहाँ पे ये बेसिकली प्रिंटिंग के अंदर बाद में ये स्टेप होता है, लेकिन आपको प्रिंटर के लिए रेफरेंस जो है वो यहीं पर क्रिएट करके देना होता है, और वो मैंने यहाँ पर कर दिया। इसको मैं ग्रुप करता हूँ, बॉक्स के साथ सेलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ अगेन। पैकेजिंग में जब आपके जो मेजर आपके प्रोडक्ट या लोगो वगैरह जो होती हैं वो ज़्यादातर सेंट्रलाइज होती हैं, लेकिन आप डेफिनेटली उनकी जो क्या कहते हैं स्केल के हिसाब से चीज़ों की, आप उनके जो साइज़ वगैरह हैं वो सारे के सारे खुद से ही डेफिनेटली अरेंज करते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये जो हमारे पास साइड फ्लैप है, इसके लिए ये मैंने आप देख सकते हैं PTCL का लोगो है, ऐप स्टोर, गूगल प्ले वगैरह का लोगो, और यहाँ पर ये मैंने क्रिएट करके लिखा हुआ है हाई अल्ट्रा स्पीड वगैरह। ये यहाँ पे मैं लेके आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लूँगा। अच्छा, आप सेंट्रलाइज ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जाके जो है वो उसको अलाइन करके ही करें, आप ख़ुद भी अपने अंदाजे से भी जो है वो इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, और बाद में बेहतर है कि आप एक बार उसको चेक कर लें, तो वो आपकी जो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, सारे को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। अब ये बैक साइड के ऊपर आपने गौर किया होगा कि अक्सर आपको गैजेट्स के पैकेजेस के ऊपर बैक साइड पे फीचर्स वगैरह लिखे हुए जो है वो दिखाई देते हैं, और उसके अलावा कुछ ये आपके पास जो है वो लोगो वगैरह जिसमें ये बार कोड वगैरह आपके जो है ये इधर मौजूद होते हैं, तो ये मैंने बार कोड्स और ये आपके जो फीचर्स हैं ये यहाँ पे ला के रख दी हैं। अच्छा जी, इसी तरह से अब ये मेरे एक और बार कोड और ये एक और चीज़ मैंने रखी हुई है कहाँ के लिए, यहाँ पर ला के मैं इसको प्लेस करूँगा। अब ये जब एक बार मैं आपको प्लेस करके दिखा दूंगा तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पे किस तरह से पड़ी जाएगी, क्योंकि जब हम ओपन करेंगे तो ये सारा कुछ उसी तरह से आएगा जिस तरह से आपको मैं जो है वो बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये जो हमने फोल्ड बनाया था यहाँ पे, ये मैं लेके आ रहा हूँ। याद रखें, ये जो फोल्ड्स हैं आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको मैं पहले ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, या आई थिंक पहले ग्रुप नहीं हुआ हुआ था, यहाँ पर लेके आता हूँ। अच्छा, ये बात याद रखें, जब आप बॉक्स पैकेजिंग बना रहे होते हैं तो उसके अंदर ये फ्रंट और बैक के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये फोल्ड्स हैं, क्योंकि फ्रंट और बैक के बाद जब भी कोई किसी पैकेज को देखता है तो वो उल्टा के उसकी साइडें देखता है, तो साइडों के वो जो फोल्ड्स हैं वो आपके जो है वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए, और उनके अंदर जो है वो अच्छी कॉम्पोजिशन होना जो है वो ज़रूरी है। अब एक आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ वो ये, मैंने कुछ ये PTCL के लोगों के अंदर से ही मैंने एक एलिमेंट निकाला हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और ये जो सेंटर में मेरे पास एक स्पेस मौजूद है, आप कह लें कि मेरा जो फ्रंट है इसके ऊपर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं करूँगा क्लिप मास्क। और वो क्लिप मास्क मैं क्यों करूँगा, वो मैं इसलिए करूँगा ताकि ये आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आप
किसी भी एलिमेंट को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी पैकेजिंग के अंदर कि वो आपके जो साइड्स हैं उनका हिस्सा बन जाए और वो पूरी पैकेजिंग के अंदर रिवील हो। इसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ ताकि ये जो हमारा टेक्स्ट है उसको डिस्टर्ब ना करे। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ इस पूरे एरिया में, और इस वाले पोर्शन को पकड़ के राइट क्लिक करके मैं करता हूँ क्लिप मास्क, ठीक है जी। लेकिन ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ आएगी, तो ये इस तरह से, अब मैं इसको अभी भी इसको राइट क्लिक करके बड़ा छोटा कर सकता हूँ और इसको मैं जहाँ पे भी लेके जाना चाहूँ, मैं इसको साइड्स पे अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ये हमने जो है वो एक मेजर स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन कर लिया, और इस तरह से हमने इम्पॉर्टेंट उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी बना के देखा पैकेजिंग का, और उसके अलावा उसके ऊपर हमने कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हैं वो भी हमने अरेंज करके देखे। तो आई होप कि अब आप लोगों को पैकेजिंग के हवाले से समझ आ गई होगी। इट इज़ अ बिट ट्रिकी थिंग, बट आई होप अब आप लोगों के लिए ये आसान है, और आप लोग जो है वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को पैकेजिंग जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए।